आगामी दिनों में आने वाली बरसातों में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए मोगा प्रशासन की ओर से सतलुज दरिया पर काबू पाने की तैयारियां और पुख्ता प्रबंध शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर कोई समस्या आती है तो उसे समय पर संभाला जा सके। वहीं इन प्रबंधों का जायजा लेने के लिए मोगा जिला के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह व अन्य अधिकारियों को साथ लेकर पूरे बांध का, जो कि करीब 31 किलोमीटर तक फैला हुआ है, का निरीक्षण किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सतलुज के खब्बे किनारे ते अपना जिला आउंदा ते सतलुज आपां 31 किलोमीटर तक टच करदा। जिवें पंजाब ने पहला संताप हंडाया सी 2019 दे विच हड़ां दा, जलंधर दे एरिए दे विच, उदों मैं उत्थे एडीसी हुंदा सी, काफ़ी खराबा होया सी हड़ां करके। उदे मद्देनज़र हुण इह आ कि पहलां ही तैयारियां कर लईआं जाण, इस करके अज बन दा सारे दा दौरा कीता गया। जिहड़े दो जगह ते फ्लड प्रोटैक्शन वर्क होण वाले ने, जिथे दरिया मार करदा जमीन नूं इक थां ते खोर के लै गया, उन्हां दोनों थावां ते कम जिहड़े होणे ने उन्हां दा जायजा लिया गया। उन्हां दे टेंडर हो चुके ने कम्मां दे, अज उह टेंडर खुलने सीगे, इस तों बाद अज उह मेरे नाल सीगे एक्सीएन, उस तों बाद अज टेंडर खोल के उह कम अलॉट हो जाणगे ते 30 तक उह कम कंप्लीट हो जाणगे, ताकि आपां उह खेतां नूं उह पिंडां नूं हड़ां तों बचा सकीए। अपने 31 किलोमीटर किनारा लगता हैगा, इहदे च जिहड़ा धर्मकोट सब डिवीजन है, ये बहुत ही प्रभावित होंदी है। मोगा से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।